Good morning, kids. How are you all today? I hope you all are fit and fine. This is Indu Gupta, and today, kids, I'm going to make you learn about something new and interesting. So tell me, amongst all you, who wants to come to school? आप में से स्कूल आना कौन चाहता है? All. Wow, that's good. सब स्कूल आना चाहते हैं. ये तो बहुत अच्छी बात है. So, today we will talk about our school. आज हम अपने स्कूल के बारे में टॉक करेंगे, बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे. Okay? So now, let me tell you a story about Ruhi and her father. See, they study. She's Ruhi. ये कौन है? Ruhi. And his रूही's फादर. ये रूही के फादर हैं. एक दिन क्या होता है, रूही के फादर मॉर्निंग में रूही को बोलते हैं, रूही प्लीज वेक अप, आज हम कहाँ जाएंगे, तुम जल्दी से उठ जाओ, यू हैव टू गो टू योर प्री स्कूल टुडे, आज आपको तुम अपने प्री स्कूल जाना है. तो रूही कहती है, Dad, I don't want to go to school. मुझे स्कूल नहीं जाना है. ऐसा कौन बोलता है? Ruhi बोलती है. But Dad कैसे convince करते हैं? Let's see how does the father convince Ruhi. Okay? Father उसको convince करते हैं स्कूल जाने के लिए. Let's see कैसे. Father कहते हैं, Ruhi, Play school is a fun place. There will be a teacher, okay? So many friends, toys, and वहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे toys होती हैं, आपकी class teacher होती है, आपको new friends से introduce कराएंगे, and आपके लिए बहुत सारे toys होंगे, and आप वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें learn करोगे, गुड हैबिट्स लर्न करोगे. तो रूही सोचती है, ओके, मुझे जाना तो चाहिए स्कूल. तो रूही फादर को बोलती है, ओके डैड, आई एम रेडी टू गो टू स्कूल. तो रूही इज रेडी एंड शी इज गोइंग विद हर फादर टू हर स्कूल. ओके, वो अपने फादर के साथ स्कूल जा रही है. रूही के फादर रूही को स्कूल में ड्रॉप कर देते हैं. See kids, this is Ruhi's school. Wow, this is so beautiful and big school. तो कौन नहीं जाना चाहेगा स्कूल, right? So Ruhi को father school में drop कर देते हैं and Ruhi के father चले जाते हैं. After entering her school, Ruhi is very happy. She looks everywhere. एंड रूही बहुत हैप्पी हो जाती है. क्यों हो जाती है? क्योंकि उसको स्कूल बहुत ब्यूटीफुल लगता है, स्कूल बहुत कलरफुल होता है, एंड देयर वर सो मैनी टॉयज देयर. वहाँ पर बहुत सारे टॉयज होते हैं. एंड रूही जैसे ही एंटर करती है, अपने सेंटर हेड से मिलती है. शी इज वेरी लविंग. ओके, जो सेंटर हेड होती है वो बहुत लविंग होती है एंड रूही के साथ इंटरेक्ट करती है. फिर सेंटर हेड रूही को उसकी क्लास टीचर से इंट्रोड्यूस कराती है एंड क्लास टीचर से मिलकर रूही का जो डर होता है वो सब चला जाता है. उसको बहुत अच्छा लगता है अपनी क्लास टीचर से मिलकर. सो नाउ रूही इज टेंशन फ्री. ओके, उसको कोई टेंशन नहीं होता है. वो इंजॉय करती है, बहुत सारे फ्रेंड से मिलती है स्कूल में. सी, कितने सारे किड्स, गर्ल्स, बॉयज आर प्लेइंग विद ब्लॉक्स. स्कूल में इतने सारे ब्लॉक्स होते हैं. वी लर्न टू प्ले विद ब्लॉक्स. सी, दिस इज फोम ब्लॉक एंड फोम ब्लॉक जो होता है आपको हर्ट भी नहीं करेगा बिकॉज इट इज वेरी सॉफ्ट. एंड दीज आर ब्लॉक्स, हम इनको फिक्स करना एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स बनाना लर्न करते हैं. एंड दीज आर द स्केच पेंस. ओके, इनसे हम ड्राइंग करते हैं, ड्रॉ करते हैं. दिस इज ऑल्सो
ब्लॉक ओके एंड हम इससे स्टैक एंड पिरामिड बनाना बहुत सारी चीजें करना लर्न करते हैं एंड दीज आर ऑल्सो ब्लॉक्स बट हम इनसे क्या लर्न करते हैं इनसे हम काउंटिंग करना सीखते हैं ओके रूही और क्या देखती है स्कूल में She goes in her class. वो अपनी क्लास में जाती है एंड वहां पर ब्लैक बोर्ड होता है चॉक्स होती है स्लेट होती है वहां पर रूही स्लेट पर डूडलिंग करती है विद चॉक्स एंड रूही बहुत इंजॉय करती है डूडलिंग को उसके बाद मैम रूही को क्या कराती है रूही को राइम सिखाती है रूही एंड सारे किड्स रूही के जो सारे फ्रेंड्स होते हैं राइम सीखते हैं स्टोरी सुनते हैं एंड शी एंजॉयड अ लॉट इन हर स्कूल नाउ रूही वापस आती है जब पापा उसको रिसीव करने आते हैं तो पापा हैप्पी हो जाते हैं फादर रूही को देखकर क्योंकि रूही बहुत हैप्पी होती है उसने स्कूल में खूब एंजॉय किया एंड शी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स उसने वहाँ प्ले करना सीखा ब्लॉक से पेंटिंग करना सीखती है डूडलिंग करती है स्लेट पर और क्या करती है इतने सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं रूही को स्कूल में और क्या चाहिए है ना सो रूही वॉज वेरी हैप्पी एंड हर फादर इज ऑल्सो वेरी हैप्पी सो किड्स we learn a lot of things in school and we should go our school on time and daily. Now, your mom is signing off. Bye kids. Stay happy and blessed.